अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग टू क्लास, वेलकम बैक विद लेक्चर नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, अगेन आर लेसन नंबर इज 3, बट आर टॉपिक इज बैकस्पेस की। नाउ वी स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम आर कोर्स बुक। सो ओपन योर कंप्यूटर बुक्स, पेज नंबर 25। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बैक स्पेस की होता क्या है, फिर हम उसकी रीडिंग करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बैक स्पेस की पिक्चर नज़र आएगी। ये इस तरह से होता है और इसे हम करते क्या हैं, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं और हमसे कोई बटन गलत प्रेस हो जाता है, यानी हमने उस बटन को प्रेस नहीं करना होता, वो प्रेस हो जाता है, तो उस वर्ड को रिमूव करने के लिए, उस लेटर को या डिजिट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बैक स्पेस की को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलें अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बैक स्पेस की व्हेन प्रेस्ड द बैक स्पेस की इरेजेस Anything typed on the left side of the cursor। हाँ जी, तो इस लाइन में हमें क्या पता चलता है कि जब हम backspace की को प्रेस करते हैं, इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि backspace की जो है वो cursor के left side वाले letter को remove करता है। ठीक है, कर्सर क्या होता है ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। कर्सर एक स्ट्रेट लाइन होती है जो टाइपिंग के दौरान हमें लेटर की पोजीशन के बारे में बताती है कि जो लेटर हम टाइप कर रहे हैं वो कहाँ पे राइट होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो उस कर्सर के जो लेफ़्ट साइड पे हम लेटर पहले से राइट कर चुके होते हैं, उस लेटर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैक स्पेस की यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल You need to crack the spelling of keyboard। अब यहाँ पे देखें, पहले कीबोर्ड के स्पेलिंग क्या राइट किए हुए हैं, keyboard, कीबोर्ड। देखें अब यहाँ कीबोर्ड के स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, हमने इसको किस में चेंज करना है, टू कीबोर्ड। यहाँ देखें स्पेलिंग keyboard, कीबोर्ड। अब देखें दोनों जगह पे स्पेलिंग लिखे हुए हैं, लेकिन ये वाले स्पेलिंग रॉन्ग हैं और ये वाले स्पेलिंग करेक्ट हैं, हमने इस स्पेलिंग को इसमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रीडिंग में हम पढ़ेंगे उसे। पोजिशन द कर्सर आफ्टर द फर्स्ट वाई एंड देन यूज द बैक स्पेस की टू इरेज द एक्स्ट्रा वाई। हाँ जी, हम क्या करेंगे, ये देखें, जैसा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें दिखाया गया है पिक्चर में, keyboard, ठीक है, उसने क्या कहा था, कर्सर की पोजीशन जो है एक वाई के बाद कर्सर की पोजीशन हमने रखनी है। आप देखें यहाँ पे जो दो दफ़ा वाई राइट किया हुआ था, एक वाई के बाद हमने कर्सर की पोजीशन की। अब हम यहाँ बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला वाई जो है रेज हो जाएगा, क्योंकि कर्सर इसके बाद है ना, तो ये वाला वाई रेज हो जाएगा और क्या होगा, हमारे पास कीबोर्ड की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।